बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो है मटन कढ़ाई। ये थोड़ी डिफरेंट है और टेस्ट में भी बहुत लजीज लगती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, आधा कप दही, आधा कप लिया मैंने टमाटो पेस्ट। पहले टमाटर को बॉयल कर लिया था, बॉयल करने के बाद मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर चॉप टमाटर लिया है हाफ कप। तो यहाँ पे दो तरह के जाएंगे, एक पेस्ट जाएगा टमाटर का जो कि हाफ कप है, और हाफ कप ही मैं ले रही हूँ कटे हुए टमाटर। इसके अलावा इसमें जाएगी अदरक 1 टेबल स्पून के करीब, कुछ मसाले जाएंगे 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1.5 टी सॉल्ट, 1 टी सौंफ का पाउडर, 1 टी गरम मसाला पाउडर, 1 टी हल्दी पाउडर दैट्स टर्मरिक, एंड 2 टी स्पून धनिया पाउडर दैट्स कोरिएंडर पाउडर। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जाएंगी जो कि मैं आपको रेसिपी के दौरान बीच बीच में बताती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने डाला है 1 कप के करीब देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी सेम क्वान्टिटी रहेगी 1 कप। देसी घी डालने से ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, वरना आप ऑयल भी डाल सकते हैं इसकी जगह। घी गर्म हो चुका है, यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी कुछ गरम मसाला जैसे कि 1 बे लीफ, तेज़पत्ता 1/2 टी, काली मिर्च 1/2 टी, ज़ीरा, 4 छोटी इलायची दैट्स ग्रीन कार्डमम, 2 सूखी लाल मिर्च जिसे बीच में से मैंने तोड़ लिया है, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 4 से 5 लौंग। ये सब हम डाल देंगे घी में और थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सॉफ्ट हो चुकी है यानी हल्का सा और टाइम लगेगा थोड़ा सा, और इसे हल्का सा लाइट ब्राउन होने में। हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 kg मटन जिसे मैंने 1 टी स्पून कच्चा पपीता लगाकर मैरिनेट किया था। कच्चा पपीता इसलिए लगाया था ताकि वो जल्दी से टेंडर हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भून चुके हैं अच्छे से। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें दही डालना है जो कि 1/2 कप है। दही हम ऐसे नहीं डालेंगे, इसमें पहले हम ये सारे ड्राई मसाले डालेंगे, फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे टमाटर में। तो इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, 1-2 टेबल स्पून पानी ऐड करके फिर से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए दही और मसालों का। देखिए सेपरेट हो रहा है हल्का के, और मसाला कितना अच्छे से भुना है ये देखिए, एक अच्छे से खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और उतना पानी ऐड करेंगे जितने पानी में ये मटन अच्छे से गल जाए। दो गिलास पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए थोड़ा सा ताकि नीचे मसाला जो लगा है वो निकल आए नीचे से। और मिक्स करने के बाद इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर छोड़ दीजिए 1/2 घंटे के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट के लिए। देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मसाला अगर आपको ठीक चाहिए तो उसको थोड़ी देर 5 मिनट और लो टू मीडियम फ्लेम पर आप रख दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा। और आपको अगर ऐसे चाहिए थोड़ा सा देखिए लिक्विड ही, तो आप अभी निकाल सकते हैं, डिश आउट कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी है, गोटी भी गल चुकी है,
अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, फ्लेवर में के लिए मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा गार्निशिंग में डालूँगी। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा ताकि फ्लेवर आ जाए उन सब चीज़ों का। कढ़ाई में थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ मैं, और दो तीन ये देखिए छोटी छोटी सी काट ली है मैंने चॉप ग्रीन चिली, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, थोड़ा फ्लेवरफुल करने के लिए मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को। और 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, ताकि जो हमने चीज़ें डाली हैं उसका फ्लेवर कढ़ाई में आ जाए। तो लीजिए बनकर रेडी है मटन कढ़ाई। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आगे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।